स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे बीएससी पार्ट फर्स्ट फिजिक्स फर्स्ट का यूनिट सेकंड स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी सापेक्षिकता का विशिष्ट सिद्धांत 1909 में आइंस्टाइन के द्वारा दिया गया था। जब भी कोई कण या वस्तु प्रकाश के वेग या उसके आसपास किसी वेग से गति करती है तो चिरसम्मत भौतिकी या न्यूटन के नियमों की सहायता से उसकी व्याख्या करना संभव नहीं है। उसके लिए आइंस्टाइन ने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आपेक्षिकता का विशिष्ट सिद्धांत दिया था, जिसकी सहायता से इसकी व्याख्या संभव हो सकती है। यह सिद्धांत दो अभिग्रहितों पर आधारित है, जिसका प्रथम अभिग्रहित है कि मुक्त आकाश में घटित सभी भौतिक घटनाएं नियत सापेक्ष वेग से गतिशील निर्देश तंत्र में समान रूप से वैध रहती है। इसका दूसरा अभिग्रहित है प्रकाश का वेग c नियत होता है, यह निर्देश तंत्र और ऑब्जर्वर की गति और गति की दिशा पर निर्भर नहीं करता। यह एक सार्वत्रिक नियतांक की भांति माना जाता है। सभी दिशाओं में समान वेग से प्रकाश का वेग गति करता है। अपेक्षिकता के विशिष्ट सिद्धांत को यूज कर लॉरेंस ने सर्वप्रथम निर्देशांक रूपांतरण दिए थे, उन्हें लॉरेंस रूपांतरण कहते हैं। लॉरेंस रूपांतरण से हम किसी भी स्थिर निर्देश तंत्र में कण के निर्देशांक और एक समान वेग से गतिशील निर्देश तंत्र में कण के निर्देशांकों के बीच में संबंध ज्ञात कर सकते हैं। यह संबंध ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम माना एक स्थिर निर्देश तंत्र S है, इसमें क्रमशः X, Y और Z एक्सिस जो एक दूसरे के लंबवत है और मूल बिंदु O है। इस निर्देश तंत्र में किसी बिंदु P के निर्देशांक X, Y, Z और समय t से दिया गया है। रूपांतरण समीकरण ज्ञात करने के लिए एक अन्य निर्देश तंत्र s डैश की कल्पना करते हैं, जो s के सापेक्ष x दिशा में नियत वेग v से गति करता है। इसकी x डैश एक्सिस x के समानांतर है, y डैश एक्सिस s की y एक्सिस और z डैश एक्सिस एस निर्देश तंत्र की जेड एक्सिस के समानांतर है तथा इसका मूल बिंदु ओ डैश है। इस निर्देश तंत्र में इस बिंदु पी के निर्देशांक एक्स डैश, वाई डैश, जेड डैश और समय टी डैश से व्यक्त किया जाता है। इन निर्देशांकों के मध्य संबंध ज्ञात करने के लिए माना प्रारंभ में t इक्वल टू t डैश इक्वल टू जीरो। प्रारंभिक अवस्था में दोनों निर्देश तंत्र एक दूसरे के संपाती हैं, इनकी एक्सिस एक दूसरे के संपाती रहती हैं और मूल बिंदु O व O डैश एक ही बिंदु पर स्थित होता है। उस समय बिंदु O पर एक क्षण दीप्ति उत्पन्न होती है, यह क्षण दीप्ति प्रकाश क्षण दीप्ति सभी दिशाओं में समान वेग c से गति करेगा और एक गोलाकार तरंगाग्र के रूप में आगे गति करता है, जिसका मूल बिंदु O पर होता है। इस ऑब्जर्वर O के द्वारा यह ऑब्जर्व किया जाता है कि यह प्रकाश वेग बिंदु O से P तक पहुंचने में जो समय लगाता है वो समय है T और निर्देशांक X, Y और Z है। तो निर्देश तंत्र S में प्रकाश दीप्ति को बिंदु P तक पहुंचने में लगा समय T है, निर्देशांक X, Y और Z से निरूपित है। तो प्रकाश का वेग जो C नियतांक होता है उसका मान दूरी बटा समय, दूरी O और P के बीच की, X स्क्वायर प्लस Y स्क्वायर प्लस Z स्क्वायर का स्क्वायर रूट या पावर 1/2 से निरूपित कर सकते हैं, डिवाइडेड बाय इस दूरी को तय करने में लगा समय टी
इसको तिरसे गुणा कर स्क्वायर करेंगे तो आ गया सी स्क्वायर टी स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। सभी टर्म को एक तरफ ले आते हैं तो हमारे पास इक्वेशन बनती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एक माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर इक्वल टू जीरो। यह आ गया हमारे पास समीकरण नंबर एक। अब इसके पश्चात हम देखते हैं कि प्रारंभिक अवस्था में जब ओ डैश ओ पर स्थित था तो जो क्षण दीप्ति ओ से सभी दिशाओं में सी वेग से गति करती है और गोलाकार तरंगाकार के रूप में आगे बढ़ता है। जब ओ डैश ऑब्जर्वर इसको ऑब्जर्व करेगा तो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का जो फर्स्ट पोस्टुलेट है उसके अकॉर्डिंग उसे भी वही घटना ऑब्जर्व होगी और उसे लगेगा कि क्षण दीप्ति बिंदु ओ डैश से सभी दिशाओं में सी वेग से गति करती है। तो इस प्रकार बिंदु ओ डैश से पी के जो निर्देशांक है एक्स वाई जेड एक्स डैश वाई डैश जेड डैश और इस दूरी को प्रकाश द्वारा तय करने में लगा समय टी डैश से निरूपित किया हुआ है। तो इस निर्देश तंत्र एस में प्रकाश का वेग, दूसरी थ्योरी दूसरा पोस्टुलेट उसके अकॉर्डिंग प्रकाश का वेग नियत होगा सी के तुल्य होगा, इसका मान दूरी बटा समय एक्स डैश स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर प्लस जेड डैश स्क्वायर डिवाइडेड बाय टी, इसका पावर हो जाएगा हाफ, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन आएगी एक्स स्क्वायर टी स्क्वायर इक्वल टू एक्स डैश स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर प्लस जेड डैश स्क्वायर। एक तरफ ले आए टर्म को तो हमारे पास इक्वेशन बन गई एक्स डैश स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर प्लस जेड डैश स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी डैश स्क्वायर इक्वल टू जीरो। आ गई हमारे पास समीकरण नंबर दो। ये दो समीकरण हमने प्राप्त कर लिए। हमारे पास दो समीकरण है जबकि हमारे पास जो अज्ञात राशियां वो चार आ गई। चार अज्ञात राशियों को ज्ञात करने के लिए दो समीकरण इनसफिशिएंट होते हैं, इनकी सहायता से हमको ज्ञात नहीं किया सकता। इसके लिए हम अदर इंफॉर्मेशन जो है हमारे पास में उसको यूज करते हैं। तो हमें रूपांतरण समीकरण ज्ञात करना है एक्स डैश वाई डैश जेड डैश और टी डैश, तीन निर्देशांक और चौथा पैरामीटर हमारे पास में समय का। इनका संबंध ज्ञात करना है एक्स वाई जेड और टी के बीच। अब इस निर्देश तंत्र को अगर हम ध्यान से देखें तो एक्स डैश निर्देश तंत्र एक्स दिशा में गति कर रहा है, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस इनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, अर्थात हमारे निर्देशांक वाई डैश वाई के तुल्य होगा और जेड डैश का मान जेड के तुल्य होगा। अब हमारे पास दो वेरिएबल बच गए एक्स और टी। तो एक्स डैश का मान एक्स पर निर्भर कर सकता है और टी पर निर्भर कर सकता है, वाई और जेड पर निर्भर नहीं करेगा क्योंकि हमें पता है हमारे पास तीनों निर्देशांक तीनों एक्सिस एक दूसरे के लंबवत होती है, यह परस्पर स्वतंत्र होते हैं, निर्देशांकों का एक दूसरे के ऊपर निर्भरता नहीं होती, अर्थात इस कारण एक्स डैश का मान केवल एक्स और टी पर निर्भर कर सकता है। इसके अलावा निर्देशांकों का एक मूलभूत गुण होता है कि निर्देशांकों को हम एड और सब्ट्रैक्ट यानी उनको जोड़ा या घटाया जा सकता है और इस प्रकार के गुण रखने के लिए एक्स का मान एक्स डैश का मान जो है वह एक्स और टी पर एक लीनियर कॉम्बिनेशन रेखीय रूप में डिपेंडेंस संभव है। इसलिए माना कि एक्स डैश का मान एक्स और टी पर निर्भर करता है, यह इनका रेखीय संबंध होगा, अर्थात दो कोफिशिएंट अल्फा और बीटा को मल्टीप्लाई कर ऐड करें तो ये इस प्रकार का संबंध अगर है तो निर्देशांकों को ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। इसी प्रकार टी डैश के लिए लें तो टी डैश इक्वल टू गामा टी प्लस डेल्टा एक्स। तो अब हमारे पास ये चार समीकरण और आ गई, समीकरण नंबर तीन चार पांच
और 6। इन 6 समीकरण, ये जो 4 समीकरण है यह निर्देशांक रूपांतरण के लिए यूज की जा सकती है, लेकिन इसमें 4 अननोन कोफिशिएंट, 4 अज्ञात राशियां आ रही है, और इन 4 अज्ञात राशियों को यूज करने के लिए ये 2 समीकरण पर्याप्त नहीं है, तो इसके लिए हम अदर इंफॉर्मेशन यूज करते हैं। सबसे पहले निर्देश तंत्र एस का मूल बिंदु ओ, इस पे बैठा हुआ जो ऑब्जर्वर है उसके सापेक्ष ओडेस है एक्स दिशा में वी वेग से गति कर रहा है। तो सबसे पहला ऑब्जर्वेशन ओ के द्वारा, ओ पर जो प्रेक्षक है उसके द्वारा ये ऑब्जर्व किया जा रहा है कि ओडेस ओ के सापेक्ष एक्स दिशा में वी वेग से गति कर रहा है। तो वेग विस्थापन में परिवर्तन की दर यानी dx अपॉन dt, इसका मान किसके बराबर हो जाएगा, v के तुल्य होगा। किसका वेग है, ओ डैश का, ओ डैश के निर्देशांकों को निरूपित करना है। ओ डैश एस डैश निर्देश तंत्र का मूल बिंदु है, अर्थात x डैश इक्वल टू जीरो, ये ओ डैश की कंडीशन आ गई, ओ डैश के बिंदु के निर्देशांक आ गए। तो हमारे पास दो इंफॉर्मेशन आ गई, dx अपॉन dt इक्वल टू वी और एक्स डैश इक्वल टू जीरो। इन दो इंफॉर्मेशन को हम इन इक्वेशंस में यूज करेंगे। एक्स डैश समीकरण नंबर 3 में आ रहा है, तो समीकरण नंबर 3 में एक्स डैश का मान 0 रखेंगे, तो आ गया 0 इक्वल टू अल्फा एक्स प्लस बीटा टी। इसका अवकलन कर देंगे टी के सापेक्ष, तो हमारे पास समीकरण मिलेगी 0 इक्वल टू अल्फा dx अपॉन dt प्लस बीटा t का अवकलन करेंगे तो आएगा 1। इसे हम dx अपॉन dt की वैल्यू रख देंगे, वो आर v, तो ये मान आ गया अल्फा v प्लस बीटा। हल करके हम एक संबंध हमारे पास आ गया अल्फा v इक्वल टू बीटा या अल्फा v इक्वल टू माइनस बीटा, यह गया समीकरण नंबर 7। तो यहां पे अल्फा और बीटा में रिलेशन आ गया, हम बीटा के मान को रिप्लेस कर सकते हैं माइनस अल्फा वी से, तो यहां पे हम एक बार रिप्लेस कर देते हैं इसको डायरेक्ट, ये मान आ गया माइनस अल्फा वी। तो एक्स डैश का मान आ गया एक्स डैश इक्वल टू अल्फा एक्स माइनस अल्फा वी टी। अब भी हमारे पास एक इंफॉर्मेशन और है, यदि ओ प्रेक्षक जो है वो यह ऑब्जर्व करता है कि ओ डैश ओ के सापेक्ष एक्स दिशा में वी वेग से गति कर रहा है, यदि कोई ऑब्जर्वर ओ पे बैठा है तो उससे क्या ऑब्जर्व होगा कि ओ ओ डैश के सापेक्ष वी वेग से माइनस एक्स दिशा में गति कर रहा है। तो यह इंफॉर्मेशन आ गई हमारे पास में डी एक्स डैश अपॉन डी टी, ओ ऑब्जर्वर के लिए हमने बिंदु ओ के लिए ये इंफॉर्मेशन लिए dx अपॉन dt डैश। यहां पर प्राइम कोऑर्डिनेट यूज किए, क्यों, क्योंकि ओ डैश जो है वो s डैश निर्देश तंत्र का मूल बिंदु है, तो उसके निर्देशांक हमें लेने dx डैश अपॉन dt, इसका मान किसके बराबर हो जाएगा माइनस ऑफ v। बिंदु ओ के निर्देशांक x इक्वल टू जीरो, तो ये इंफॉर्मेशन हमें यूज करनी है समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर 6। समीकरण 3 में x का मान 0 रखेंगे, समीकरण 6 में x का मान 0 रख देंगे और इन दोनों को अवकलन करना है, तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी d x डैश। यहां पे हमें निरपेक्ष अवकलन करना है, तो d x डैश इक्वल टू क्या बच गया आपके पास में माइनस अल्फा v dt, और dt डैश का अवकलन करेंगे तो आएगा dt डैश इक्वल टू गामा dt। इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड करते हैं हमारे पास इक्वेशन आएगी dx डैश अपॉन dt डैश इक्वल टू माइनस अल्फा v अपॉन गामा इक्वल टू किसके बराबर है, ये
dx अपॉन dt डैश की वैल्यू माइनस वी, ये आ गया माइनस वी, इससे हमारे पास इंफॉर्मेशन आ गई माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, v से v कैंसिल हो जाएगा, दैट मीन्स अल्फा इक्वल टू गामा। अल्फा और गामा का मान एक समान होता है, तो हम यहां पे रिप्लेस कर सकते हैं अल्फा की वैल्यू को गामा से। कॉमन ले लिया हमने गामा, तो हमारे पास अब निर्देशांक रूपांतरण समीकरण जो थे वो कुछ इस तरीके से आ गए, एक्स डैस इक्वल टू गामा टाइम्स एक्स माइनस वी टी, y डैश इक्वल टू y, z डैश इक्वल टू z, t डैश इक्वल टू गामा t प्लस डेल्टा x। तो ये जो निर्देशांक रूपांतरण के समीकरण है, अब हमारे पास में दो अननोन कोफिशिएंट बच गए, वो है गामा और डेल्टा। इस गामा और डेल्टा की मान ज्ञात करने के लिए हम समीकरण नंबर एक और दो का यूज करते हैं। समीकरण नंबर दो में समीकरण तीन से छह तक जो हमारे पास निर्देशांक रूपांतरण के समीकरण थे इनसे मान रख देंगे और हल करेंगे। तो x डैश का मान रखेंगे x डैश स्क्वायर, तो वैल्यू आ गई गामा स्क्वायर x माइनस vt का होल स्क्वायर। y डैश y के इक्वल है तो प्लस y स्क्वायर, z डैश का मान z के इक्वल है z स्क्वायर माइनस c स्क्वायर t डैश स्क्वायर, तो माइनस यहां पे लिख देते हैं माइनस c स्क्वायर, t डैश का मान है गामा t प्लस डेल्टा x का होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो। अब यहां पे जो टर्म्स है उसका दो टर्म का सम और डिफरेंस का स्क्वायर है, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर से इसको हल कर लेते हैं और हम टर्म को रीअरेंज भी एक साथ कर रहे हैं। तो सबसे पहले x स्क्वायर की जो टर्म है वो हम एक साथ ले लेंगे, तो यहां से आएगा एक एक्स स्क्वायर, एक आएगा यहां से एक्स स्क्वायर, दोनों में गामा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर को हम कॉमन ले लेते हैं, तो यहां से आएगा गामा स्क्वायर मल्टीप्लाई उसका, यहां से एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई क्या आ रहा है माइनस का सी स्क्वायर और डेल्टा स्क्वायर, तो ये टर्म हमने लिख दिया मल्टीप्लाई में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर की टर्म एक साथ लिखी। अब टी स्क्वायर की जो टर्म आए यहां से आएगा टी स्क्वायर का टर्म, तो यहां से जो टी स्क्वायर का टर्म आ रहा है उसको हम लिख रहे हैं, तो गामा स्क्वायर इसका स्क्वायर करेंगे तो आएगा प्लस का वी स्क्वायर और यहां से ये टर्म है जिसमें टी स्क्वायर की एक टर्म बनेगी तो आ गया माइनस का सी स्क्वायर इंटू गामा का स्क्वायर, तो गामा स्क्वायर हमने कॉमन ले रखा है मल्टीप्लाइड बाय टी स्क्वायर, तो ये टर्म हमारे पास आ गई। रिमेनिंग एक टर्म यहां पे और आएगी, इसका होल स्क्वायर जब सॉल्व करते हैं तो आएगा ए इंटू बी, तो एक्स और टी का मल्टीपल भी आएगा, तो उस फैक्टर को हम एक साथ लिख रहे हैं, तो आ गया माइनस का टू गामा स्क्वायर वी एक्स टी, एक्स टी को हम कॉमन ले लेते हैं, ये माइनस का टर्म आएगा, यहां से भी प्लस का आएगा, आगे माइनस है तो माइनस हो जाएगा माइनस सी स्क्वायर, ये भी ट्वाइस आएगा ट्वाइस सी स्क्वायर गामा डेल्टा इंटू एक्स टी इक्वल टू जीरो। ये जो समीकरण है उस समीकरण को समीकरण नंबर एक से तुलना करते हैं और समीकरण की तुलना करके देखते हैं कि एक्स स्क्वायर यहां पे भी आ रहा है, वाई स्क्वायर टर्म आ रही है, जेड स्क्वायर आ रही है और टी स्क्वायर की टर्म आ रही है। तुलना करने पर हमें पता है कि इनके कोफिशियंट्स जो है उनको इक्वल किया जाता है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट डेल्टा स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डेल्टा स्क्वायर, सॉरी गामा स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डेल्टा स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा वन,
दूसरा वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, सी स्क्वायर सॉरी टी स्क्वायर का जो कॉफिशियंट है वो किसके बराबर है, माइनस सी स्क्वायर के। तो ये आ गया गामा स्क्वायर वी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू माइनस का सी स्क्वायर। और तीसरा पार्ट एक्स टी, यहां पे एक्स टी का टर्म आ रहा है और समीकरण नंबर एक में एक्स टी का कोई टर्म नहीं आ रहा, अर्थात इसका कॉफिशियंट क्या हो जाएगा, जीरो। तो हमारे पास टर्म आ गई टू वी गामा स्क्वायर माइनस टू सी स्क्वायर गामा डेल्टा इक्वल टू जीरो, ये टर्म आएगी प्लस क्योंकि माइनस हम यहां पे कॉमन ले चुके हैं। तो ये तीन समीकरण आ गए, इन तीन समीकरणों की सहायता से हमें गामा और डेल्टा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो जो बीच वाला समीकरण है उस समीकरण को अगर हम सॉल्व करें, सी स्क्वायर को कॉमन ले लो तो माइनस सी स्क्वायर को कॉमन ले तो बचेगा माइनस सी स्क्वायर गामा स्क्वायर वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू माइनस का सी स्क्वायर। तो ये माइनस का सी स्क्वायर दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा, इससे गामा की वैल्यू आ गई हमारे पास में वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। गामा का माना गया वेग वी और प्रकाश के वेग सी के पदों में। डेल्टा का मान ज्ञात करना है, डेल्टा का मान ज्ञात करने के लिए हम ये समीकरण यूज कर सकते हैं और लास्ट वाला समीकरण भी यूज किया जा सकता है। लास्ट वाले समीकरण से हम देखें तो टू कॉमन आ रहा है वी गामा स्क्वायर, गामा भी कॉमन अगर जीरो में जीरो कर सकते हैं, प्लस टू टू कैंसिल हो गया सी स्क्वायर डेल्टा इक्वल टू जीरो या डेल्टा इक्वल टू टर्म आ जाएगी माइनस गामा वी ओवर सी स्क्वायर। डेल्टा का मान आ गया माइनस गामा वी अपॉन सी स्क्वायर। तो गामा और डेल्टा का मान आ गया, इन दोनों मान को यदि हम इन समीकरण में रख दें तो हमारे पास रूपांतरण समीकरण कुछ इस प्रकार से आ जाएंगे। यहां पे गामा की वैल्यू हम डायरेक्टली यूज करते हैं, यहां पे था गामा टी, डेल्टा की वैल्यू रख रहे हैं, गामा कॉमन आ गया माइनस साइन वी ओवर सी स्क्वायर इंटू एक्स। तो ये हमारे पास रूपांतरण समीकरण आ गए निर्देशांकों में, जहां पे गामा का मान होता है वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। और यहां पे एक इंफॉर्मेशन हमें पता है कि v का मान हमेशा c से कम होता है, v का मान c से कम है तो गामा का मान जो है वो हमेशा ग्रेटर देन वन एक से बड़ा मिलता है। तो ये रूपांतरण समीकरण हमने ज्ञात किए, ये रूपांतरण समीकरण स्थिर निर्देश तंत्र में कणों के निर्देशांक और समय का एक समान वेग से वी वेग से गतिशील निर्देश तंत्र में कण के वेग और समय के मध्य संबंध को व्यक्त करता है। धन्यवाद, थैंक यू।